तो दोनों तरफ तैयारी बड़े पैमाने पर है और चीन की तरफ से काफी ज्यादा हथियार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर ताइवान के हिस्से तक, और ताइवान की तरफ से भी तैयारियां कर दी गई हैं। ताइवान जंग जैसी सूरत हाल के बीच से इस वक्त गुजर रहा है, वहां पर चीन को जवाब देने के लिए तैयारियां तो की जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये आपको बताते चलें कि मशरकी लद्दाख में जो इस वक्त हकीकी कंट्रोल लाइन है, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। चीनी अफवाज ने फिंगर चार के नजदीक बालाई चोटियों पर कब्जा किया, तो दूसरी तरफ भारतीय फौज ने उन ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा जमा लिया है जहां पर चीनी अफवाज की पहले नजर रही थी। और भारतीय फौज ने पेंगोंग झील के नजदीक जो चार फिंगर है इसकी कई चोटियों पर अपनी फौज तैनात कर दी है, और भारत ने अगस्त के महीने के आखिर से ही ऊंचाई वाले इलाकों पर अपना कब्जा जमाने की झील के जनूबी साहिल पर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि वही इलाका है जहां चीनी अफवाज ने अप्रैल और मई में कब्जा करने की कोशिश की थी। चीनी अफवाज फिंगर चार और लद्दाख के दीगर इलाकों से पीछे हटने से इनकार कर ही रही थी, फौजी इंकलाब पर बात हो रही थी, लेकिन इसी दौरान भारतीय फौज ने फिंगर चार और इसके करीबी इलाकों में दोबारा से यहां पहुंचकर इन ऊंचाई वाले पहाड़ों पर अपना कब्जा जमा लिया है। फौज के जवानों को तैनात किया गया है। एक नई डेवलपमेंट यह हुई है कि 500 मीटर से कम का फासला दोनों अफवाज के दरमियान है, शूटिंग रेंज है, यानी एक दूसरे को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है इस पहाड़ी पर। जो अलग अलग जराया ये बताते हैं कि बिल्कुल आमने सामने अफवाज खड़ी हैं और टेम्परेचर भी नीचे गिर रहा है, तापमान गिर रहा लगातार, सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है इन हिस्सों के अंदर, और ऐसे में एक और चैलेंज दोनों अफवाज के लिए। इन सब के बीच में जहां पर चीनी अफवाज ने पहले पीछे हटने से इनकार किया, कोशिश ये थी कि फिंगर चार और पांच के ऊपर पहुंचा जाए, लेकिन वहां पर अब भारतीय फौज पहुंच गई है। अब नजर जो है नॉर्थ और साउथ के दोनों हिस्सों पर है, यानी आप इन दो हिस्सों को उठाकर देखेंगे तो जुनूब का हिस्सा और जो शुमाल मशरकी हिस्सा है वहां पर इसलिए भी करीबी नजर थी क्योंकि ये वो दो इलाके हैं जहां पर चीन पहले आने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे के साइट्स को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ऊंचाई पर भारत तो पहुंचा, अपनी फौज वहां तैनात की, तो चीन की तरफ से मजीद हथियार उस तरफ यानी LAC के उस पार और भी तैनात कर दिए गए, और लोग भी काफी ज्यादा इस वक्त हैरान है इस सिचुएशन से क्योंकि अब फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ और भी अफवाज इस वक्त भेजी जाने लगी हैं। ये वही पहाड़ियां आप देख रहे हैं जहां से फौज गुजरकर उन फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रही है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें तो नहीं है लेकिन उस इलाके की जरूर जहां से फौज अगली चौकियों की तरफ रवाना की जा रही है। अब चूंकि मॉस्को के अंदर बातचीत हुई, आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीरे ख़ारिजा SJ शंकर और उनके चीनी हममनसब वांगी ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तवील अरसे से जो फौजी तातुल जारी है इसको खत्म करने के लिए रूस के शहर मॉस्को में बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के बीच ये बातचीत मशरकी लद्दाख में सरहद पर पैदा कशीदगी की सूरत हाल को और दोनों ममालिक के जरिए या जो मुज़ाकरात का अमल है उसके जरिए फौजी मौजूदगी जो इस वक्त LAC पर है उसके पसे मंजर में हुई। 2 घंटे तक बातचीत चली। दोनों के दरमियान बातचीत का वाहिद हदफ सरहद पर कशीदगी को कम करना था। तातुल के मकाम से फौजियों की वापसी भी इस मीटिंग का मकसद था। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पर वजारत खारजा ने बयान भी जारी किया और कुछ निकात पर रजामंदी हुई, इत्तफाक हुआ। वजीर खारजा SJ शंकर और चीनी वजीर वांगी ने ये मान लिया कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में किसी इख्तलाफ के पेश नजर तनाजा नहीं आना चाहिए और उन इलाकों के अंदर तनाव को कम करने की कोशिश की जाए जहां पर अफवाज आमने सामने खड़ी हैं। इसके साथ ही मॉस्को में मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा सरहद पर अमन और हम आहंगी बनाए रखने पर मुत्तफिक हुए। वहीं दिन में जयशंकर और वांगी ने 8 रुकनी SCO के वज़ीरे ख़ारिजा की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। दोतरफा बातचीत से पहले दोनों की मुलाकातें रूस और हिंदुस्तान की चीन के वज़ीरे ख़ारिजा की मीटिंग जरूर हुई, मुलाकात हुई जहां पर अमन बहाली के लिए और फौजी इंकलाब पर जोर दिया गया। ये अमन की बात हुई लेकिन आज शाम होते होते एक और ट्वीट जो माउथ पीस है चाइना का ग्लोबल टाइम्स अखबार, उसने अपने इदारे में लिखा कि इस वक्त मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए फौज को सरमा से कबल तमाम तरह की तैयारियां करनी होंगी। ये वो ट्वीट है जो चीन की तरफ से या चीनी माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स अखबार की तरफ से आज जारी किया गया और अपने इदारे में ये लिखा है कि हालात इस कदर वहां खराब होने वाले हैं, आर्मी जो चीन की है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसको आर्मी एक्शन के लिए तैयार रहना होगा, सूरतेहाल इतनी खराब हो सकती है। सीधे तौर पर भारत की तरफ से इसे धमकी माना जा रहा है और इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर आज 2 तरह की और बड़ी अहम मीटिंग हुई। वजीर आजम तक ब्रीफिंग दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर आज एक अहम इजलास की सदारत कर रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ, भारतीय फिजाइया, फौज और बहरिया के साथ एक अहम इजलास की सदारत जब हुई
द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिस्कस किया गया। भारत और चीन के बीच जो कशीदगी चल रही है इस मुलाकात का मरकज था। इजलास में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। उनने जब शिरकत की यहाँ से ब्रीफिंग ली गई तो उसके बाद अजीत डोभाल वजीर आजम के दफ्तर पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आगाह किया, उनको ब्रीफिंग दी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, किन किन मकामात पर फौज खड़ी है, कहाँ पर हमारा कब्जा और कहाँ पर चीन का कब्जा है। उन हिस्सों के अंदर फौज पहली बार तारीख में सबसे नजदीक या उन इलाकों के अंदर जहां पर फौजी इंखला पर जोर दिया जा रहा था, उन इलाकों के अंदर दोनों अफवाज आमने सामने आकर खड़ी हुई हैं। ये सारी ब्रीफिंग आज वजीर आजम के सामने रखी गई। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ जब ट्वीट किया गया कि तैयारियां सरमा से कबल होंगी तो LAC पर तनाव और भी बढ़ गया है। दोनों अफवाज हरकत में आई हैं, दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। हथियार चाहे वो एंटी मिसाइल सिस्टम हो, T-90 टैंक हो, एंटी मिसाइल रडार सिस्टम हो, या फिर हवाई और जंगी जहाजों का जो इस वक्त सबसे ज्यादा मूवमेंट LAC पर देखी जा रही है, उसमें और तेजी लाई जाए। और रात के वक्त में यहाँ पर और भी सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो जाती है जब खसूसी जंगी तैयारों को इन हिस्सों के अंदर मूवमेंट करते देखा जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि अजीत डोभाल की तरफ से आज वजीर आजम को जो ब्रीफिंग दी गई है, CDS से जानकारी लेने के बाद तीनों अफवाज के सरबराहन के साथ आज सरगर्मियां जो चल रही थी वो वजीर आजम के सामने रखी गई। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि सरगर्मियां यहां पर नहीं चल रही हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं चल रही हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी काफ़ी सरहद के उस पार अगर नज़र दौड़ाएं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वक्त एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई हैं। और इन खबरों के बीच में पाकिस्तान के लिए एक दुख वाली खबर सामने उस वक्त आई जब दो फाइटर जेट्स टकरा गए, काफ़ी नुकसान की खबर आई है। सरहद के उस पार मशक चल रही थी, एक्सरसाइज जो रूटीन वाइज वहाँ पर होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरलाइंस की, वहाँ पर जो खसूसी तैयारी होते हैं उनकी तरफ से इस बीच दो जेट टकराए हैं जिनमें भारी नुकसान हुआ है, जो अभी तक हमें इतलात मौसूल हो रही है। चलिए अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करते हैं, क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और इंतजामिया काउंसिल की मीटिंग में दो बड़े और अहम फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जब से जिम्मेदारी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर संभाली। तो इंतजामी काउंसिल की जानिब से लिए गए फैसलों के मुतालिक जानकारी दी गई और इंतजामी की जानिब से जो फैसले लिए गए थे उसके तहत JK iGram लॉन्च किया गया और इस पोर्टल के तहत अवामी मसाइल को इंतजामी तक पहुँचाना और भी आसान होगा जो इंतजामिया दावा कर रही है। पोर्टल के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला मकामी सतह पर ही जिला तरक्याती कमिश्नरों के दफ्तरों में किया जाएगा। पहले बात सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या फिर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचती थी। सेक्रेटरीट लोग चक्कर काटते थे, दफातर के चक्कर काट कर कई हफ्तों और कई महीनों तक यहां पर फाइलें धूल चाटती थी। लेकिन आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज JK iGram लॉन्च किया, इस पोर्टल के जरिए दावा यह किया गया है कि स्टेटस रिपोर्ट भी वक्तन फोक्तन मिलती रहेगी। दरख्वास्त गुजार जो है उसको यह भी पता चलता रहेगा किस ऑफिसर के पास उसका केस है और बात कहां तक पहुंची है, यह आज सामने रखा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर इस स्कीम के हवाले से क्या कुछ कहा वो जरा आपको सुनाते हैं। तो सिमरन जी, पांच मिनट में ये जो आज स्कीम, प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो, इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले हैं। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया है। और इस संघराज्य क्षेत्र UT के तीन जनपदों में, श्रीनगर, जम्मू और रियासी, पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में यह सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। और आज की जो मीटिंग हुई इस पे एक और इम्पोर्टेंट फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लोग जो 70 लाख से ज्यादा जिनकी तादाद बनती है, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना चल रही थी या आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत मुल्क के किसी भी अस्पताल के अंदर वो जिसकी तरफ से जो स्कीम के दायरे में आए हुए थे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुल्क के किसी भी अस्पताल के अंदर, या सरकार इसका खर्च उठाती थी 5 लाख तक का। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग जो रजिस्टर हुए आयुष्मान भारत के तहत, जो लोग बच गए हैं
70 लाख से ज्यादा ये आबादी बनती है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम की आज शुरुआत कर दी गई है। आज कई और दावे भी किए गए, लेकिन बड़ी चीज ये, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने आज इसी मीटिंग के दौरान कहा, जब एक सवाल पूछा जा रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तो उनका जवाब ये था कि अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की इंतजामे की कोशिश तो है, लेकिन ये पोर्टल जो है इसके जरिए एक और चीज भी सामने आएगी, अफसरान की कारकर्दगी क्या है, महकमे कहीं पर अगर झूठ बोलते हैं तो वो सच्चाई सामने कैसे लाई जाए, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट सामने होगी, केस किसके पास था, कहां ट्रांसफर हुआ और कहां तक अभी इसकी स्टेटस रिपोर्ट पहुंची है, वो तमाम चीजें जो है ऑन स्क्रीन होंगी, ऑन रिकॉर्ड होंगी, इसलिए अफसरान की कारकर्दगी और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जो व्यवस्था है, ये डिपार्टमेंट्स अपनी गलती तो कभी मानेंगे नहीं, ट्रांसफार्मर हो या पानी हो या सड़क हो, इसीलिए डीसी को सबसे नोडल बनाया है और रिजोल्यूशन उसी लेवल पे होता है, ट्रांसफार्मर के लिए चीफ इंजीनियर की जरूरत नहीं है, लोकल लेवल की है, पूरी मॉडल बदल दिया गया है, वेरी यूनिक। अब एक मैं अब बात जम्मू कश्मीर पुलिस की, आज उस मुशतबा शख्स को जिला सांबा पुलिस लेकर गई, जहां से पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से यूएस कार्बाइन 4 बंदूक सरहद के इस पार लाई गई थी। सांबा के अंदर पुलिस की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से कार्रवाइयां की जाती रही हैं, और वो शख्स जो जवाहर टनल के करीब एक ट्रक से गिरफ्तार हुआ था, जनूबी कश्मीर से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है, और ये शख्स हालांकि इसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था उसको आज उस मौके पर ले गई, जहां से पुलिस के मुताबिक हथियार जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर लाने की कोशिश हुई थी, और उस कोशिश को हालांकि कामयाब भी कर लिया गया था, लेकिन जवाहर टनल के करीब इनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ जब हुई तो ट्रक से हथियार बरामद हुए थे, और आज मौके का मुआयना करने के लिए पुलिस की टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो आज इस मुशतबा शख्स को सांबा के उसी इलाके के अंदर लेकर गई, सरहद के करीब का इलाका बसंतर नदी, जहां से इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है गुज़श्ता बरसों से होती रही है, और आज उसी मकाम पर यहां पर उस शख्स को ले जाया गया। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बडगाम के अंदर, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2020 में 800 से ज्यादा बलाई वर्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके मुताबिक मंशियात के साथ साथ हथियारों का जखीरा भी मिलिटेंटों तक पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया, दोनों तरह के बलाई वर्कर गिरफ्तार किए गए, और जवाहर टनल के करीब गुज़श्ता दिनों जो एक ट्रक से हथियार मिले थे, इसके मुतल्लिक आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक हथियार सरहद पार से ड्रोन के जरिए लाए गए, जहां आज उस शख्स को पुलिस की तरफ से ले जाया गया, और पुलिस सरबराह और आईजीपी कश्मीर बडगाम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 5 अगस्त या उसके पहले से लेकर के जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े फोकस रहे हैं, और इसमें जो भी कोई टेरर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाने में मदद करती हैं, उनको हर जिले में बडगाम के अलावा भी बाकी जगहों पे भी टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर के 800 से ज़्यादा जो OGWs और टेरर ऑपरेटर्स हैं उसको पूरी कश्मीर वैली में इस साल 2020 के अंदर अभी तक पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसमें 80 के करीब ऐसे OGW हैं या टेरर ऑपरेटर हैं जो बडगाम जिले के हैं, जो लगभग 20 जो यहाँ पर मॉड्यूल्स अलग अलग तरह से एक्टिव थे, जिसमें वेपन सप्लाई का मॉड्यूल है, हीरोइन की तस्करी का और वेपन को दोनों साथ चलाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो मॉड्यूल है, मिलिटेंट्स को बाकी तरीके से सपोर्ट पहुँचाने का जो ताल्लुक है, उस सब तरह की कार्रवाइयों में जो OGW शामिल थे। काउंटर में और रिकवरी के दौरान M4 सीरीज का करीब 5-6 हथियार पाए गए हैं और पिस्टल पाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन लोग मिला है कि जो पाकिस्तान जो है ड्रोन के थ्रू जम्मू जोन में इसको ड्रॉप किया, वहां से शोपियन का ड्रोन। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक बड़ी कामयाबी वादी है कश्मीर में हासिल की, जहां पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। एक मामले को सुलझाते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश श्रीनगर के अंदर हुआ, हालांकि आधी कार्रवाई दिल्ली और आधी जनूबी कश्मीर के अंदर हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 गैर रियासती नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनकी तहवील से चोरी की 120 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो श्रीनगर जिले के अंदर एक दुकान से लूटे गए थे, और बाजार में इनकी कीमत 26 लाख से ज्यादा बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में पहले दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई, तो पूछताछ के दौरान पता चला कि मजीद 2 लोग उसके साथ इस चोरी में मुलव्वस थे, जिनको जनूबी कश्मीर से पकड़ा गया। SSP श्रीनगर के मुताबिक तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है।
अब बात कोविड 19 की। जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड 19 के मुतासरीन की तादाद 50,000 के पार हो चुकी है। 1500 से जायद मुसलसल तीसरे रोज केसेज सामने आए। अवामी हलकों में इस वक्त तशवीश की लहर पाई जा रही है। 1578 केसेज में से 73 मुसाफिर शामिल हैं जो पिछले 24 घंटों में सामने आए और तादाद 50,712 तक पहुंच गई। कश्मीर वादी से 770, जम्मू सूबे से 808, जम्मू जिला वाहिद जहां पर 415 और श्रीनगर जिले से 267 मामलों की तस्दीक हुई। 870 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 46 लाख के करीब हिंदुस्तान के अंदर अब तक कोविड 19 के मरीजों की जो तादाद है वो पहुंच गई है। 75,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में इंतजामी ने जिला अस्पताल को कोविड 19 अस्पताल में तब्दील किया था और इंतजामी के इस फैसले की अवामी हलकों में बड़े पैमाने पर मुखालिफत हो रही है। गांदरबल की अवाम ने जहां पहले इस फैसले का खैरमकदम किया था तो वहीं अब कई इलाकों की अवाम जो कि गुनागु मुश्किलात से दो चार है, लोगों ने इंतजामिया से आज अपील की कि कोविड 19 अस्पताल में तब्दील किए गए जिला अस्पताल को अब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों के लिए खोला जाए ताकि उन्हें दीगर अस्पतालों का रुख वबाई सूरत हाल में न करना पड़े जहां वो मुश्किलात से दो चार है। मगर बदकस्मती मे बसान तम कम साहिबान यमो यह राय दि कर सा चेंज कोविड सेंटरस मे कि वनकस एक्सरे बापत अस पे गुन हस्पताल सवूरा या बाकी प्राइवेटस मन कह टेस्ट सपदान एक्सरे या बाकी टेस्ट जरूरी टेस्ट तम सपदान कहें यह फकत कोविड 19 कल तम बेमार और वातान ये कि कार्डिक पेशेंट नेफ्रोलॉजी चेस्ट डिजीज अक्सर वंद वोल सजाई बेमार नमूदार गुजोर अपील कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड स्टार्ट गोर मैं सफर कर खास कर प्रेगनेंट लेडीज कर सफर क्या तुम पे पे तुम नुनर गुनर हॉस्पिटल नीर पुर ग सो फैसलटी कहीं अत हॉस्पिटल मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर सबस कर गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर सरहद जिला राजौरी में भी कोविड 19 का कहर है और इंतजामिया भी अब हरकत में आई है। आज कोरोना के मजीद केसेस सामने आए तो राजौरी में कोविड 19 से अब तक एक दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जिला इंतजामिया ने रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला भी तेज कर दिया और जिले के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में आज टेस्टिंग उन लोगों की गई जहां पर कोविड 19 के मुतासरीन की बड़ी तादाद सामने आई है। इंतजामिया की तरफ से अब यहाँ जरूर सख्त कदम उठाए गए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी में कोविड 19 का कहर जो बढ़ना शुरू हुआ है जिसमें आए दिनों अब बड़ी तादाद में पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से अब जरूर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि राजौरी में कोविड 19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी की वार्ड नंबर 7 में एंटर होने वाले रास्ते पर इंतजामिया की तरफ से एक सैंपलिंग कलेक्शन सेंटर खोला गया है जहाँ वार्ड नंबर 7 की तरफ एंटर होने वाले तमाम लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और वहाँ से भी बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां से भी पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय जरूर है राजौरी के लिए क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड 19 का कहर बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तक राजौरी में इस कोविड 19 से 14 लाख जंग हार कर इस दुनिया से चल बसे हैं जिसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से अब जरूर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले राजौरी की वार्ड नंबर 8 और 9 को रेड जोन किया गया था और आज राजौरी की वार्ड नंबर 7 का भी कुछ हिस्सा रेड जोन कर दिया गया और दिन ब दिन राजौरी में केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। शुमाली कश्मीर में साल 2015 में पस्सियां गिरने का एक वाकया पेश आया जहां तबाहकुन सूरतेहाल ने दर्जनों कुंभों को उजाड़ कर रख दिया। वहीं आज करीब 7 बरसों बाद भी कई मुतासरीन इस तबाहकुन घड़ी को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में साल 2015 में जमीन खिसकने से दर्जनों खानदान मुतासर हुए और आज कई बरसों बाद भी खानदान मुआवजे के लिए मुंतजर हैं। जिला बारामूला के दूरदराज इलाका फतेहपुरा फ्रिश्तार में दर्जनों लोग जिनके घर पसियां आने से तबाह हो गए थे जबकि मुआवजे के लिए भरे गए फॉर्म और कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद भी फाइलें सरकारी दफातर में धूल चाट रही हैं। इंतजामिया की गैर संजीदगी देखिए कि फ्रिश्तार के कई खानदान आज करीब 7 बरसों बाद भी आरजी शेड में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहां शिद्दत की सर्दी या फिर शदीद गर्मी से इन्हें गुजरना पड़ता है। मुतासर अफराद ने आज एहतजाज किया, उन्हें मुआवजा देने के साथ साथ मकानात के तामीर के लिए
متبادل زمین فراہم کرنے کی اپیل کی۔ تو دوسری طرف یہ معاملہ جب ہمارے نمائندے ارشاد احمد نے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر جین یتو کے سامنے اٹھایا تو انہیں آج پھر یقین دہانی کرائی۔ بارہمولہ پیٹھ سری نگر جوم سرسی پھیورس بہ پائی تکمینس پہ وات فائل زاس پندہ پہ زاس واز تام کوئی انسان نہیں ملتا ہے کور خاندر انہوں کسی کور مگر کیا کرو بسوا پان کن کرو یہ کور بالیں گم جنب ٹٹن مجھ ہو کے بسان ٹھ گ کیا امس ایڈمیشن اگر ون بہت ڈی سی بارہمولہ ثائے اخ یور اناگریشن کرنے گراؤنڈس ات روپیے کڑی مگر اس روٹی تیس پھرن مگر گاڑی من ووت بن ون چھ وول اچھا کھانا صورت تیس پتم لے پیو شین ام چڑن ولس پتھر لہٰذا کرتن چھس بہت ونان یم تہند تھرو بہت شکر گزار تہد تہند وات نیوز کنس نش کی لوک آمت پہ کور خاندر کر یہ حساب کیا کرو۔ دیکھیے یہ ڈیمانڈ آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے اور میڈیا میں بھی کئی بار آ چکا ہے۔ اس کا پروپوزل آلریڈی ہم نے بھیجا ہوا ہے، آلٹرنیٹو لینڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی اس کا پلان بنایا ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی۔ ہم ضلع ڈوڈا کی ٹھاٹری اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پانی سپلائی بار بار متاثر ہونے سے کئی علاقوں کے عوام پریشان ہیں۔ مقامی لوگوں نے آج شکایت کی کہ محکمہ جل شکتی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ ٹھاٹری اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں عوام آلودہ پانی پینے کے لیے مجبور ہے، جس سے وبائی امراض کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ٹھاٹری کے عوام نے محکمہ جل شکتی کے ذمہ داران سے آج پھر اپیل کی کہ وہ ان علاقوں میں پانی سپلائی فوری طور بحال کرے اور عوام کو آلودہ پانی پینے سے بچایا جائے۔ مگر ٹھاٹری کی اتنی بدقسمتی ہے کہ اوپر کا جو سورس پانی کا تھا، پانی تو بارش ہوئی نہیں، پانی نالے ندیاں سوکھ گئے، اور ٹھاٹری میں ایک ہی سورس تھا جو کہ ہینڈ پمپ تھے، اور ہینڈ پمپ بھی عرصہ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایڈمنسٹریشن چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کو پچھلے دو مہینوں سے ہم لوگ یہاں پر جو ہے کافی بار ریکویسٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی بھی جو ہے گراؤنڈ لیول پر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جنوبی کشمیر کے صدر شوپیاں میں عوام کو بنیادی سہولیات کی قلت جو ان کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ علاقے کی عوام نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ انتظامیہ نے بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کا آغاز جس کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پہلے اور دوسرے مرحلے کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے آج برسوں بعد بھی پورے نہیں ہوئے۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ علاقے میں پانی سپلائی بار بار متاثر ہو رہی ہے، رابطہ سڑکوں کی ناگفت بہ حالت ہے، جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے، اور محکموں کے ذمہ داران جن کے ذمہ داری علاقوں کے اندر تھی ان سے آج اپیل کی گئی کہ وہ اس علاقے کی جانب توجہ مرکوز کریں، سرما سے قبل ان لوگوں کو راحت پہنچائی جائے۔ مطلب کوئی بھی مطلب چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ہم نے کوئی بھی آدمی مطلب گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہم نے اس یہاں نہیں دیکھا کہ وہ آئے کہ ہمارے سڑکوں کے دیکھو حالات کیا ہے، ہمارے بجلی جو کھمبے لگائے ہیں تار دیکھو تار کس پہ لٹکی ہے، بولے رہے کہہ رہے کہ پول دیں گے، کچھ نہیں دیا۔ بعد میں ہم نے باغوں کی تار کاٹ کاٹ کے ہم نے گھر میں پول لیے ہیں، میرے آنگن میں خود میرا آنگن ہے وہاں دیکھی جا کے میں نے لکڑی کا پول لگایا ہے، جب جگہ میں لائن مین کے پاس میں نے چار دفعہ پانچ دفعہ گیا، میں نے دس دفعہ اس کو بولا کہ بھائی ہمیں ایک پول چاہیے، ایک پول دو، بول رہے ہیں کہ آ رہا ہے، کچھ نہیں آیا۔ یہاں کو آتے ہی نہیں، سڑک ہماری دیکھو اور ہماری بجلی دیکھو، اور دیکھو سیب سے ان پر وہ اولا پڑ گیا، کیا حالات ہوگی ان کی، کو لجانے میں نہیں آتا۔ اگر بپاری کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں پیٹی کو 150 دے دیں گے، آپ تو اگر بھیجتے ہیں دیتے ہیں، اب غریبوں لوگوں کو کون یہاں کرتا ہے۔ سری نگر کی مدینہ کالونی چھانپورہ میں ڈرینیج کے ابتر نظام سے علاقے کی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کالونی کے لوگوں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شکایت کی کہ گزشتہ کئی برسوں سے ڈرینیج کی خرابی کے باعث متعدد علاقوں کا آلودہ پانی کالونی میں داخل ہو رہا ہے، جس سے بدبو اور وبائی امراض عوام کے لیے باعث عذاب بن رہی ہیں۔ مدینہ کالونی چھانپورہ جہاں کے لوگوں نے آج انتظامیہ سے علاقے کی جانب توجہ مرکوز کر ڈرینیج کی مرمت کی اپیل کی تاکہ اس علاقے کی عوام مشکلات سے نجات پائے۔
मदीना कॉलोनी सेक्टर 2 छानपुरा है। इसमें हमें यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड की, पिछले 15 साल पहले हमने यहाँ R&B वालों ने मैगडम किया था, उसके बाद कई बार हम गए एक्स गवर्नर चीफ इंजीनियर प्रेजिडेंट को, उन्होंने लिखा ऐसे एग्जीक्यूटिव चारूरा को कि आप इनका मैगडमिशन कीजिए, लेकिन हम कई बार उसके पास गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। ये विद रिजल्ट जब भी यहाँ बारिश पड़ती है हम यहाँ में लॉन्ग बोट इस्तेमाल करना पड़ता है, आप इस साल तो बच्चों के स्कूल नहीं गए लेकिन बच्चे भी फिर स्कूल नहीं जा सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी। हम यही चाहते हैं यहाँ इसको मैगनमेशन किया जाए। शॉर्ट्स भी चलाओ वाला। मदीना कॉलोनी छानपुरा की आवाम शदीद मुश्किलात से दोचार, और कई इलाकों के अंदर जहां पर ड्रेनेज की खराबी की वजह से इस वक्त आवाम को मुश्किलात का सामना है, और इस इलाके के अंदर जहां पर इंतजामे की जानिब से जरूर कुछ इलाकों के अंदर सड़कों की मरम्मत की बात तो की गई है, ड्रेनेज को बेहतर करने की बात जरूर की गई है, बावजूद इसके गुरुद्वारा और इसके आसपास के इलाके की आवाम इस वक्त कई तरह के मसाइल से गुजर रही है, जहां पर कोविड-19 का कहर है, साफ सफाई के निजाम पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर जहां पर ड्रेनेज की खराबी, सड़कों की बदतर हालत, और दूसरी तरफ इन इलाकों में जहां पर पानी की निकासी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नगर में भी जहां आवाम इन दिनों गुना गो मुश्किलात से दोचार है, इलाके में म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से भी कूड़े के अंबार लगाए जा रहे हैं, और इस बीच आपको बताते चलें कि कई इलाकों के अंदर ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा जो कि इस वक्त श्रीनगर की मदीना कॉलोनी में है, जहां पर आवाम कई तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, और इस इलाके के अंदर इंतजामे की तरफ से ज़रूर सफाई के बेहतर निज़ाम का दावा तो किया गया कई मरतबा, लेकिन आवाम की इस वक्त इसलिए मुश्किलात बढ़ रही हैं घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। एरिया है छानपुरा हाउसिंग कॉलोनी अपोजिट गुरुद्वारा, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ बहुत तकलीफ़ है और बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 साल से ये ड्रेन यहाँ पे बनी है, 3-4 साल से ये ड्रेन पूरी की पूरी ख़राब है और हमेशा इसमें फ्लड रहता है, ये ब्लॉक ड्रेन है। एक्चुअली जब हम मोहल्ले वाले 2-4 बार गए ग्रेवन सेल में, दूसरे जगह पर भी गए, उन्होंने हमको प्लान दिखाया, उस प्लान में ये ड्रेन जो है ये जहाँ से बनी हुई है ये ओपन ड्रेन है। जब हम बहुत तंग हैं जी, हम गुरुद्वारे के पास रहते हैं, हम गुरुद्वारे के 2 मिनट हमारा घर से 5 मिनट का सफर हम नहीं कर पाते हैं, इतना बदबू इतना फ्लश निकल रहा है बाहर, कोई भी घर का आदमी बड़ा हो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई नहीं निकल सकता है बाहर। बढ़ते हैं आगे, बात जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की, जहां पर कुलगाम जिले में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकार किया गया। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना, और फाइनल मुकाबला यहां पर हुआ, तहसीलदार कुलगाम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें, उसकी तरक्की के लिए कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं हमारे समाज में एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, एक वबाई सूरत हाल है जो इस वक्त जिससे हम सब परेशान हैं, ड्रग एडिक्शन की सूरत हाल। तो ये जो बच्चे हमारे खेल कूद की तरफ गामजन हो रहे हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, ताकि ये इधर शुमाली कश्मीर के पटन में भी लॉकडाउन में जहां पर आहिस्ता आहिस्ता नरमी दी जा रही है, और इसके बाद खेल सरगर्मियां भी शुरू कर दी गई हैं। सिलसिले में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। खेल सरगर्मियां शुरू करने के लिए इंतजामिया पर दोबारा नौजवानों ने जोर दिया, ताकि मंशियात की लत से नौजवानों को छुटकारा मिल सके।
जो ये कोविड 19 की वजह से जो पूरा जो सपोर्ट्स इवेंट थे ये खत्म हो चुके थे एक तरफ से, तो अभी मैं जिन्होंने यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में